Hello friends and welcome to my channel Learning and Speaking. Today we learn what is noun. हिंदी में इसे संज्ञा कहा जाता है. तो संज्ञा क्या होती है, इसे किस प्रकार पहचाना जाता है. Noun is a name of a person, place or thing. किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा अर्थात noun कहा जाता है. जैसे कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वह है हमारा नाउन है. अगर हम किसी जगह के बारे में बात कर रहे हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, कोई शहर हो या कोई मॉन्यूमेंट हो, या फिर किसी जंगल के बारे में बात कर रहे हो, ताजमहल के बारे में बात कर रहे हो, तो वह हमारी नाउन है. किसी भी थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो टेबल हो, कार हो, घड़ी हो, मोबाइल हो, कैंडी हो, या फिर ब्रोकली हो, वेजिटेबल हो, ब्रेड हो, बटरफ्लाई हो, बास्केटबॉल हो, बाइसिकल हो, ये सब क्या है, थिंग्स है. इसलिए ये सब हमारी नाउन है. नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग. नाउन किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है. देयर आर 7 टाइप्स ऑफ नाउन. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे. सो नाउ वी स्टार्ट विद कॉमन नाउन. व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन, इट इज़ अ कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, आइटम और थिंग. इट स्टार्ट फ्रॉम अ कैपिटल वर्ड ओनली व्हाइल अप्रोचिंग एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, सिटी, गेम, बुक, कार, प्लेनेट, टीचर, स्कूल, एक्सेट्रा. एक नाम जिससे कि बहुत सारी चीज़ों को दर्शाया जाता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं. सिटी, जैसे कि शहर है, इतने सारे शहर हैं, इन सभी को बुलाने के लिए एक नाम दे दिया गया कि ये सिटी है, वही हमारा नाउन. इसी तरीके से गेम है. गेम बहुत सारी होते हैं पर इन सबको बुलाने के लिए हमने एक ही नाम दे दिया, गेम है. बुक्स भी बहुत सारी होती है लेकिन इनको सबको बताने के लिए हमने एक ही वर्ड से इसको डिस्क्राइब किया, बुक है. लड़के हैं, सभी लड़कों को बताने के लिए हमने एक ही वर्ड चूज़ किया जो कि है लड़का. अब किसी भी लड़के को बुलाना होगा, हम क्या बुलाएंगे, यह लड़का है. इसी प्रकार से कार के लिए, कार तो बहुत सारी है लेकिन इन्हीं को सबको बुलाने के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ कर लिया, कार. इसी प्रकार स्कूल है, स्कूल को बुलाने के लिए हम, इतने सारे स्कूलों को बुलाने के लिए हम एक वर्ड चूज़ करते हैं, स्कूल. इसी प्रकार से टीचर है, टीचर को बुलाने के लिए हम एक वर्ड का डिस्क्राइब कर लिया, इतने सारे टीचर्स के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, टीचर. तो यह होती है हमारी कॉमन नाउन, कि बहुत सारी चीज़ों को बताने के लिए हम एक ही वर्ड को यूज़ करते हैं, वो कॉमन वर्ड होता है, वह होती है हमारी कॉमन नाउन. इन सेकेंड, देयर आर प्रॉपर नाउन. इट इज़ अ अपोजिट साइड ऑफ कॉमन नाउन. अ प्रॉपर नाउन रेफर टू द स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बींग विद कैपिटल लेटर्स नो मैटर वेयर दे ऑकर विद इन अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, MS धोनी, मुंबई, थर्सडे, क्रिकेट, इंग्लिश. In this, we are using the proper word for describe a person, place or thing or anything. It is called proper noun. यह है common noun का विपरीत पर्श है, यानी ये common noun के बिल्कुल opposite होती है. Proper noun किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को दिए गए विशिष्ट नाम जो कि एक विशिष्ट होता है को संदर्भित करती है. प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर के साथ होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे वाक्य के अंदर कहीं भी हो. यह वाक्य के बीच में भी हो सकती है, लास्ट में भी हो सकती है या फिर सबसे पहले भी हो सकती है. उदाहरणतः MS धोनी, जो कि एक क्रिकेटर का नाम है. कॉमन नाउन में हम बात कर रहे थे क्रिकेट की. अब क्रिकेट में ही अगर हम MS धोनी की बात करें तो ये एक प्रॉपर वर्ड हो गया कि हम MS धोनी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गई. इसी तरीके से जैसे कि हम शहर की बात कर रहे होते हैं तो वह एक कॉमन वस्तु है कि किसी भी शहर के बारे में हम बात कर रहे हैं. पर शहरों में अगर हम मुंबई की बात करते हैं तो प्रॉपर हम मुंबई की बात कर रहे हैं, तो ये हो गई हमारी प्रॉपर नाउन. इसी प्रकार जब हम पूरे सप्ताह की बात कर रहे होते हैं तो ये कॉमन वस्तु है. अगर हम सप्ताह के अंदर गुरुवार की बात करें, यानी थर्सडे की बात करें, तो यह हो गया हमारा प्रॉपर नाउन.
इसी प्रकार जब हम किसी भाषा के बारे में या लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे होते हैं, लैंग्वेज वर्ड यूज़ होता है, तो सभी लैंग्वेज के लिए हम लैंग्वेज वर्ड यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं कॉमन नाउन। अगर उसकी जगह हम इंग्लिश यानी अंग्रेजी की बात करें तो यह हमारे एक प्रॉपर वर्ड हो गया अंग्रेजी, इसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, इफ़ वी यूज एज अ गर्ल नेम देन ऑल गर्ल्स कम इन इट, इट्स कॉल्ड कॉमन नाउन। एंड इफ वी से दैट गर्ल नेम इज ममता, देन इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, बिकॉज वी यूज द नेम ऑफ द गर्ल, इट्स अ प्रॉपर नेम, सो नाउ इट्स अ प्रॉपर नाउन, हेयर ममता इज अ प्रॉपर नाउन। उदाहरणतः लड़की, अगर हम लड़की का नाम के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो सभी लड़कियां उसके अंदर आ जाती है, तो इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। और यदि हम कहें कि लड़की का नाम ममता है, तो यहाँ पर प्रॉपर एक नाउन, लड़की को नाम दिया गया है जो कि ममता है, इसलिए जहाँ पर भी प्रॉपर नाम का प्रयोग होता है तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर ममता हमारा प्रॉपर नाउन है। नाउ द थर्ड नाउन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आर नेम्ड यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। ऐसी चीज जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ों को दर्शाया जाता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बंच ऑफ बेरीज, इसमें बंच यानी गुच्छा कलेक्टिव नाउन है। अ क्लास ऑफ अ स्टूडेंट, इसमें एक पूरे स्टूडेंट की क्लास है, जो क्लास है उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए यहाँ पर जो क्लास होगी वह हमारी कलेक्टिव नाउन होगी। इसी तरीके से जैसे कि एक जंगल है उसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो वह जो जानवरों का समूह होगा वह समूह हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। नाउ इट्स कम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज़ समथिंग विच यू कांट सी, इट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वह वस्तु जो आप ना तो देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना टच कर सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्यार, प्यार को हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वह हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेट, हेट यानी नफरत, नफरत को भी ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, सिर्फ उस किसी से भी हम नफरत कर सकते हैं, तो यह भी क्या है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरीके से एंगर यानी गुस्सा, गुस्से को भी हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, तो यह भी क्या है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। खुशी, जॉय, जॉय को भी सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, तो यह भी क्या है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरीके से गुडविल, किसी की भी गुडविल को जो है हम ना तो टच कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि वह है, उसकी जो गुडविल है वह अच्छी हो गई है, इसलिए वह भी क्या है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचाना जाता है। नाउ इट कम्स मटीरियल नाउन। व्हाट इज मटीरियल नाउन? सो मटीरियल नाउन आर द नेम्स गिवन टू द मटीरियल्स, सब्सटेंस और थिंग मेड अप ऑफ समथिंग। मटेरियल नाउन वे नाम है जो किसी पदार्थ या किसी चीज़ से बने पदार्थ को दिए जाते हैं, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोथ यानी कपड़े, कपड़े क्या है, कॉटन से बने जाते हैं या किसी और चीज़ से बनाए जाते हैं, इसलिए उसको नाम दिया गया क्लोथ, इसलिए ये हमारी मटेरियल नाउन। जैसे कि मेटल, मेटल एक क्या है, धातु है, धातु से कई सारी चीज़ें बनाई जाती है, इसलिए इसको एक नाम दे दिया गया मटीरियल। क्या है, ये मटेरियल है जिससे के कई सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, इसलिए ये क्या है, मटेरियल नाउन। इसी तरीके से गोल्ड यानी सोना, सोने से भी हम कई चीज़ें बना सकते हैं पहनने के लिए, इसलिए ये क्या है, हमारी मटेरियल नाउन है। इसी तरीके से डायमंड है, फाइबर जो कि एक धातु है, इससे भी कई सारी चीज़ें बनाई जाती है, इसलिए इसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। जहाँ पर भी किसी वस्तु को बनाने के लिए मटेरियल का यूज़ होता है तो वह होती है हमारी मटेरियल नाउन, जिसके द्वारा कोई भी चीज़ बनाई गई हो। नाउ इट्स कम काउंटेबल नाउन। व्हाट इज काउंटेबल नाउन? नाउन विच वी कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल चाहे जितने भी है उसे हम गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चेयर यानी कुर्सी, कुर्सी जितनी हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, उनको हम गिन सकते हैं, इसलिए उसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यह है एक काउंटेबल नाउन।
ऐसे ही पेन हो गया, पेन भी बहुत सारे हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसलिए इनको भी हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए वह भी हमारी काउंटेबल नाउन है। इसी तरीके से बैग हो गए, बहुत सारे बैग है, 5 है 10 है 15 है, उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंड है, सेकेंड को भी काउंट किया जाता है, जैसे कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड, 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 10 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, इसलिए ये सभी क्या आते हैं, काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। इसलिए जो भी वस्तु काउंट की जा सके वह काउंटेबल नाउन होती है। नाउ कम्स अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। जिन नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, पानी बह सकता है, कहीं पे भी भरा हो सकता है, लेकिन उसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। नॉलेज, हमारी जानकारी, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, किसके पास कितनी नॉलेज है, इसलिए यह है एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरीके से सॉल्ट है, यानी नमक, नमक भी बहुत सारा होता है, उसको भी हम एक एक दाने को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यह एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरीके से चावल यानी राइस, वह भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए उनको भी हम काउंट नहीं कर सकते। तेल, ऑयल को भी हम काउंट नहीं कर सकते, शुगर को भी हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यह सभी हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है। यह तो थी हमारी सभी नाउन्स जिनके बारे में अभी हमने जाना। अब इनके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको जान लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो पॉइंट टू बी रिमेंबर इन नाउन्स, फर्स्ट पॉइंट इज पुटिंग एस इन एनी वर्ड डज नॉट मीन प्लूरल, यानी कि किसी भी शब्द में एस लगाने का मतलब प्लूरल नहीं होता है। कोई भी वर्ड हो जिसके पीछे एस लगा हो वह प्लूरल हो यह ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में पीछे एस लगाया है, परंतु यह एक मैथ का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसलिए यह प्लूरल नहीं है। जब भी मैथ की बात आती है तो इसे मैथमेटिक्स कह के पुकारा जाता है, इसलिए इसको मैथमेटिक्स कहा जाता है। फिजिक्स यह सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स यह सब्जेक्ट, जिसके इन सभी के पीछे एस लगाया गया है, परंतु यह प्लूरल नहीं है, इनके साथ सिंगुलर का ही प्रयोग किया जाएगा। इस जैसे कि हो गया एथिक्स, एथिक्स के पीछे भी एस लगाया है, लेकिन यह एक सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। न्यूज़ हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, इसके साथ सिंगुलर ही यूज़ किया जाता है, प्लूरल नहीं। एस हो उसके पीछे, उसको प्लूरल के रूप में यूज़ किया गया यह ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से प्रोग्रेस होता है, इनिंग्स होती है, एक्सेट्रा, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे एस लगा होता है, लेकिन यह प्लूरल नहीं होते, यह सिंगुलर ही होते हैं। इनके पीछे भले ही एस लगा हो, लेकिन इनको हम सिंगुलर ही मानते हैं। सेकेंड पॉइंट से सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हो गया सनग्लासेस, सनग्लासेस में दो कांच होते हैं, इसे एक कांच के द्वारा नहीं बताया जाता, उसे सनग्लासेस ही कहा जाता है। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स में भी दो पैंट, पैर डालने के लिए दो होती हैं, इसलिए उसे ट्राउजर्स ही कहा जाता है। पैंट को पैंट्स ही कहा जाएगा लिखते वक्त। सेविंग को सेविंग्स ही कहा जाता है। आर्म्स, आर्म्स को भी आर्म्स ही कहा जाता है। यह सभी सिंगुलर नहीं हो सकती, यह सभी हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। इसी में एक और चीज़ आती है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पीछे एस नहीं लगता, फिर भी वह प्लूरल ही होते हैं। जैसे कि पीपल, पीपल बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके पीछे एस नहीं लगता, फिर भी यह बहुवचन यानी प्लूरल है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन भी बहुत सारे होते हैं, बच्चे, लेकिन इसके लिए चिल्ड्रन वर्ड ही यूज़ किया जाता है, जो कि प्लूरल में यूज़ किया जाता है। कैटल, बिना एस के भी प्लूरल ही होते हैं। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको प्लूरल में ही यूज़ किया जाता है, परंतु इसके पीछे एस नहीं लगा होता है। थर्ड पॉइंट इज ओनली सिंगुलर वर्ब आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगती है, जैसे कि नॉलेज, पोएट्री, ट्रैफिक, हेयर्स, ज्वेलरी, इन सभी के साथ हमेशा ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल है, यह हमेशा सिंगुलर वर्ब्स के साथ ही आएंगे। फोर्थ पॉइंट, सम नाउन्स डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, दे आर द सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, वे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम होती है, जैसे डियर, शीप, फिश, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। जैसे कि डियर बहुत सारे होंगे, फिर भी हम क्या यूज़ करेंगे उसके लिए, डियर ही यूज़ करेंगे, वो भरे बहुत सारे हो, प्लूरल हो, लेकिन उसके लिए यूज़ किया जाएगा डियर। शीप,
शीप चाहे बहुत सारी हो चाहे एक हो, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? सिंगुलर शीप ही यूज़ किया जाता है। फिश, फिश भी बहुत सारी होती है लेकिन उसके लिए वर्ड क्या यूज़ किया जाता है? फिश। फिफ्थ पॉइंट, इफ द कलेक्टिव नाउन गिव द सेंस ऑफ सिंगुलर देन सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड विद देम, अदरवाइज द प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर का सेंस दे तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, नहीं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि द कमेटी हैज सबमिटेड इट रिपोर्ट्स, यानी कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई थी वह सबमिट कर दी है। इसमें कमेटी ने काम किया है इसलिए यह सिंगुलर है। इसी तरीके से इसी को हम प्लूरल में बनाते हैं, द कमेटी आर अलाउड टू गो टू मीट देयर फैमिली। कमेटी में जितने मेंबर थे वह सभी उसने अलाउ कर दिया उन सभी को अपने परिवार से मिलने के लिए, यानी यह है प्लूरल हो गया। जितने भी लोग थे वह अपने अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं तो इसको प्लूरल में बनाया जाएगा। तो यह थी हमारी नाउन्स, पार्ट्स ऑफ नाउन और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, उसको किस प्रकार से समझा जाता है, यह है आज मैंने आपको समझाया है। सो नाउ आई एम थिंकिंग दैट यू आर वेरी क्लियर अबाउट नाउन कॉन्सेप्ट एंड यू आर वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट इज नाउन। सो इनफ फॉर टुडे एंड माय नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द प्रोनाउंस, व्हाट इज प्रोनाउन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोनाउंस एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोनाउंस। So if you like my video and learn something, so please share my video and comment. If you have any queries and questions, so please comment in comment box. Thank you for watching my video.